सीएम नीतीश कुमार ने कर दिया एक तीर से दो शिकार। जी हां, उद्घाटन हो चुका है मरीन ड्राइव फेज 2 का और हड़ताली मोड़ ब्रिज दोनों का। तुम लोगों को मिलता है ओ माय गॉड, ये क्या हो गया भाई, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। आज ब्रिज का उद्घाटन हुआ और बस देख सकते हैं एक्सीडेंट हो गया, होर्डिंग पूरा बस के ऊपर गिर गया है। तो इसी ब्रिज के गाइस नीचे जंक्शन पर जाने का अंडरग्राउंड भी टनल बन रहा है। सच बोले तो गायघाट में जो रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी गाइस पटना के गायघाट में गए, पूरा जबरदस्त वीडियो और जो आज का उद्घाटन हो जाएगा, आप लोग गायघाट से डायरेक्ट पटना के मरीन ड्राइव पीएम से जा पाइएगा। तो यहाँ देखिएगा यूट्यूबर भी हम लोग को मिल गया, क्या बोलना चाहिए आप लोग का। स्टार्ट हो रहा है यहाँ पटना मरीन ड्राइव और बंद करिए पूरी तरह से तैयार हो गया और थोड़ी देर में इसका उद्घाटन भी होने वाला है। तो बस मुख्यमंत्री जी भी पहुंच चुके हैं पीएमसीएस तक और पीएमसीएस से बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं और बस कुछ ही पलों में यहाँ पर उद्घाटन होने वाला है। तो सब कोई आप लोग देख सकते हैं, काफी ज्यादा यहाँ पब्लिक आ चुकी है और काफी ज्यादा भीड़ है। तो हमारे सीएम नीतीश कुमार देख सकते हैं आप पहुंचे गायघाट में, देख सकते हैं उद्घाटन का हो चुका है, देख सकते हैं मुख्यमंत्री यहाँ से बैलून उड़ा के उद्घाटन कर दिया, ब्रिज खुल चुका है, आज से आना जाना आधी से स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली का उद्घाटन हो चुका है, अब हम लोग थोड़ा ब्रिज में घूमने वाले हैं। नीतीश कुमार यहाँ से फाइनली निकलने वाले हैं, देख सकते हैं मेरे पीछे आगे पीछे पूरा जबरदस्त भीड़ है, बहुत अच्छी। बिहार वासियों के लिए, पटना वासियों के लिए, सच में तो गायघाट में जो रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो भीड़ का आप लोग देख सकते हैं पूरा उद्घाटन हो चुका है, खुल चुका है, आज से बाइक कार सब कुछ आप लोग ले सकते हैं पटना के मरीन ड्राइव, 15 से 20 मिनट में आप लोग पहुंच जाइए। देख सकते हैं ऊपर से आप लोग ड्रोन कैमरे से दिखा रहे हैं, जो ग्रीन कारपेट दिख रहा है यहीं पर नीतीश कुमार अभी उद्घाटन गए हैं। काफी भीड़ भाड़ हम लोग को दिख रहा है, चहल पहल स्टार्ट हो चुका है, जिनके पास गाड़ी हो गाड़ी लेके दौड़ जा रहे हैं, जो ऐसे ही पैदल है वो पैदल ही होकर ब्रिज को थोड़ा घूमने के लिए निकल पड़े हैं। बहुत जबरदस्त हम लोग को भीड़ भाड़ दिख रहा है और पटना वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सच बोले तो गायघाट में जो रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्यों है ये जान लीजिए, क्योंकि अगर किन्हीं को हॉस्पिटल वगैरह जाना है तो बाय रोड जाते तो वो ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, तो ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा और डायरेक्ट अब आप लोग पीएमसीएच जा सकते हैं। यहाँ से कम 5 या 10 मिनट आपको लगने वाला है गायघाट से पीएमसीएच जाने में, और तो पीएमसीएच भी जा सकते हैं फिर, या फिर जो मरीन ड्राइव जिसको गंगा पद बोलते हैं वहाँ से फिर आप लोग गांधी मैदान जा सकते हैं, दीघा भी जा सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है पटना के मरीन ड्राइव सेंटर जहाँ दीघा है वहाँ से आप लोग डायरेक्ट एम्स भी पटना जा सकते हैं, वहाँ भी एक ब्रिज बना हुआ है। तो पूरा ये डायरेक्ट कनेक्ट हो चुका है, एक ही मतलब एक तीर छोड़िएगा तो एक तीर से पूरा तीर सीधे भागते चला जाएगा। और ये ब्रिज बनने के बाद काफ़ी लोग यहाँ पर रुक रुक कर फोटो सेल्फी भी लेना चाहेंगे, क्योंकि नज़ारा शायद ही आपको दिखे, क्योंकि मरीन ड्राइव आप लोग जाते हैं जो गंगा पथ बोलते हैं तो वहाँ तो भाई पानी पड़ता है तभी आप लोग को पानी दिखता है। ऐसे तो गायघाट से आप लोग होकर गुजरिएगा तो देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत आपको व्यू मिलने वाला है, लोग यहाँ पर रुक रुक कर फोटो सेल्फी लेने वाला है। और आपको बता दें गंगा के बिल्कुल ऊपर बनाया गया है इस ब्रिज को, तो बहुत अच्छा व्यू भी मिलने वाला है, मतलब अब इसको आप लोग मरीन ड्राइव बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ का पानी सूखने वाला नहीं है। बाकी आप लोग मरीन ड्राइव दीघा की ओर जाते हैं तो वहाँ आपको जून जुलाई अगस्त तक दिखता है उसका पूरा वाटर लेवल पानी सूख जाता है, तो यहाँ पर सूखने वाला नहीं क्योंकि डायरेक्ट गंगा जी के ऊपर ब्रिज को बनाया गया है, तो काफी खूबसूरत व्यू आपको मिलने वाला है। चले गए तो फाइनली यहाँ से निकलने वाले पटना वालों की बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई। तो फाइनली गाइस अब यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ अब हम लोग हड़ताली मोड़ जाएंगे, वहाँ का भी थोड़ा आपको अपडेट दे देते हैं। बाकी आप लोगों को रोड दिखाते चलते, देखिए उद्घाटन हो चुका है, भीड़ भाड़ लोग यहाँ से चल चल कर जा रहे हैं। तो अभी गाइस हम लोग पटना के बिहार म्यूजियम में खड़े हैं, यहाँ पर जो पुल बन रहा था वो भी आज उसका भी उद्घाटन हो चुका है। अभी कुछ देर पहले हम लोग गायघाट के पास थे, वहाँ भी उद्घाटन कर दिए नीतीश कुमार, उसके बाद यहाँ पर आके उद्घाटन किए, तो पूरा आपको ड्रोन से भी दिखाएंगे और पूरा सबको समझाएंगे। तो अभी गाइस देख सकते हैं हम लोग हड़ताली मोड़ के पास आ चुके हैं, आपको ड्रोन की मदद से व्यू दिखा रहे, काफी खूबसूरत लग रहा है भाई। फाइनली इस ब्रिज का उद्घाटन हो गया, यहाँ पर मैं लेट हो गया, एक साथ दोनों कवर नहीं कर सकता था। आप लोग देख सकते हैं चहल पहल स्टार्ट होगा, उद्घाटन के बाद ही ब्रिज स्टार्ट हो चुका है, यानी कि कल परसों से स्टार्ट होगा। अब आप लोग 15 तारीख को आने वाले हैं, 15 तारीख से ब्रिज सबके लिए, समझिए आज उद्घाटन हुआ है तो आज से ही ये ब्रिज सबके लिए खुल चुका है, काफी खूबसूरत व्यू मिल रहा है। ताली मोड़ पे आपको किसी तरह का सिग्नल का इंतजार यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से आप लोग बेली रोड निकल सकते हैं, या फिर बेली रोड होते आ रहे हैं तो इनकम टैक्स से होकर
डाक बंगला निकल सकते हैं। तो इसी ब्रिज के गाइस नीचे जंक्शन पर जाने का अंडरग्राउंड भी टनल बन रहा है। ये ब्रिज अभी कम्प्लीट हो गया, टनल का काम अभी चल रहा है, तो उसका भी आपको जल्दी ही अपडेट देंगे। फिलहाल ब्रिज को काफी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं अटल पथ वाला ब्रिज है, इसके नीचे से आप लोग होकर गुजरिएगा, फिर पटना वुमेन्स कॉलेज होते होते आगे निकल जाएगा इनकम टैक्स गोलंबर के पास। सबसे खूबसूरत तो नाइट का व्यू आप लोग देख रहे हैं, कितना लाइट जो लगाया गया तिरंगे हमारे झंडे का कलर का बहुत ज्यादा जगमगा रहा है। 15 अगस्त को लेकर ये हमेशा लाइट यहाँ पर लगा ही ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही खूबसूरती आपको दिखने वाली है। लोग तो यहाँ पर ऐसे गुजर रहे हैं तो फोटो सेल्फी भी लेकर जाने वाले हैं भाई। तो ड्रोन से भी तो गाइस देख लिए, आगे चल के थोड़ा आपको घुमा देते हैं, देखते हैं कितना अच्छा व्यू लोगों को मिलता है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया भाई, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। आज ब्रिज का उद्घाटन हुआ और बस देख सकते हैं एक्सीडेंट हो गया, होर्डिंग पूरा बस के ऊपर गिर गया है। किसी का जान उन तो नहीं गया, चलिए अच्छी बात है, बहुत बड़ा दुर्घटना इसको नहीं बोल सकते, होर्डिंग गिरा है इस कारण से। तो यहाँ पर लोग रुक कर देख रहे हैं क्या हो गया, चलिए जान माल का कोई खतरा नहीं है, अब आके लेके चलते हैं। देख लीजिए अटल पथ का ब्रिज इसके नीचे गुजर रहे हैं, कितना खूबसूरत व्यू हम लोगों को मिला, लाइट जो लग रहा है लाइट हमेशा ऐसे ही रहने वाला, ऐसे ही खूबसूरती आपको दिखने वाली है। आगे फिर हम लोग सचिवालय निकल जाएंगे और आगे फिर पटना जू आने वाला है, बेल रोड आने वाला, तो आगे जाएंगे नहीं, बस इतना ही आपको दिखाना था। तो आज एक साथ आपको दो अपडेट मिल गया, तो फाइनली हम यहाँ से निकलने वाले हैं, और भी ऐसे अपडेट आते रहेंगे और बिहार में पटना में जो कुछ नया कुछ हो रहा है उसके बारे में ब्लॉग बनाते रहता हूँ। तो अब यहाँ से फाइनली निकलने वाले हैं, तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।